स्टेइंग सेफ। तो आज हम आए हैं मूवी देखने और आज हमारे कॉलेज वाले, हाँ फ्री की मूवी, ये हमारे कॉलेज वाले हमें मूवी दिखाने लेके आए हैं। तो मेरे साथ है श्वेता, श्वेता मैंने फ्लैश जला रखी है, और मैं ड्राइवर, मैडम ने ओटीपी दिए बिना मेरी गाड़ी घुस गई है, और बाकी सारे इधर ही होंगे हमारे पीछे ही थे। मैं सबको आपसे मिलाती हूँ। हम सारे अंदर जा रहे हैं, मैम भी मिल गई उनको। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो हेलो, सबको तो आप पहचानते हो। आज हम लोग फुल सेट होके आ गए, आगे लिफ्ट आगे भाई, बाकी बने हम लोग लिफ्ट आगे, बाय बाय। ओ मैं माऊ हां, यहां पे ही ऊपर में मेकअप लड़कियां नहीं देखना, ये बेचारा अकेले जूनियर, हम सीनियर के बीच में पूछ रहा हूँ। गाइस हम देखते आए हैं ये मूवी स्टारफिश एंड कानवेरा। अभी हमें ऊपर जाना है शायद। श्वेता व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? हाय। चलो अब मूवी देखते हैं, देन लेट्स सी कैसी है। हटो मैडम। तो भाई ये बात कर रही हूँ, इन लोगों की मीटिंग चल रही है, डोंट नो व्हाट। हाँ प्लीज, सब लोग ऐसे बैठ गए हैं, बेटी चाल हो रही है इतनी ज़्यादा, दिखाती हूँ। चैट के कीड़े मनीष। हाँ जी, से हाय। हाय बाय, टाटा सी यू। रोहित भाई को बुला रही है, बुला रही है। डीएम फॉरेस्ट का गाइस, रोहित भाई लाना, रोहित एक जॉइंट टिकट को फोल्ड करके जॉइंट किया जा रहा है। डीएम का रिश्ता, अगर किसी रिश्ता के लिए डीएम कर दे तो कोई ब्राह्मण, किसी के रिश्ते के लिए कोई हिंदू ब्राह्मण लड़की सिंगल है तो इसको डीएम करे, और ये सिगरेट मत। हेलो हर्रा हर्रा हर्रा, व्हाट इज चना? हर्रा इज दारू, यू नो, दारू दारू रहे। गुरु तक मूवी आपको कैसी लगी श्वेता? हाय टू डर्टी किंकी किंकी स्टफ, बस वेट, एवरीवन इज टू एक्साइटेड क्योंकि मूवी इनको ज्यादा अच्छी मिल गई है। ऐड मेरे को ज्यादा पसंद आ गई। अभी तक आपको मूवी कैसी लगी? अभी तक तो पता नहीं कैसी लगी, लेकिन बढ़िया लगी। आपको कैसी लग रही है मूवी? एकदम बकवास। क्यों? अरे माहौल ही ना बन रहा, माहौल ही ना बन रहा, केवल ट्रेलर में तो मैं रोमांस भरा हुआ था कि पूछो नहीं, मूवी तो एकदम, ये तो ट्रेलर देख के आया था, और जैसे पता चला वो प्रेग्नेंट हो गई है तो बेकार एकदम। अब बुढ़ाओ ने किया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। मन्नू आपको मूवी कैसी लग रही है? एक नंबर। गाइज हम लोग मूवी देख के निकल के अपने कॉलेज के बाहर आ गए हैं, फिल्म सिटी। ये लोग यहाँ बातें बातें कर रहे हैं, अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ खा पी ले। और ये रोहित, रोहित तुम क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं कर रहा, बस नशा नहीं किया बाकी। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, बिकॉज हमने कल भी कहीं जाना है, और अगर हम आज स्लीप डिप्राइव्ड हो गए तो बस हो गया काम। श्वेता कहाँ गई? ये बाहर चली गई आई गेस। मैं ढूंढ रही हूँ श्वेता कहाँ गई। और ये ब्लॉग स्टार्ट होते ही अपने बाल सेट करने लग जाता है, और कॉपीराइट आ जाएगा। हेलो गाइस, गाइस ये मुझे कमोलिका बोलते हैं स्कूल टाइम से ही लोग, मैं घर तोड़वाती हूँ सीरियसली, इतनी मासूम शक्ल। तो आज हम खाएंगे मैकडी। ये शांत पता नहीं क्यों है, पता नहीं क्यों है, बोल ले कुछ, हाय कर मेरे व्यूअर्स को। हम कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। वो ये सुंदर लग रहे हैं, देखो गाइस, ये देखो गाइस, बट वाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी? हमारा इंडियंस का कुछ बनाते यार। कौन सी थी फिल्म? स्टारफिश। अलग अलग गाइस, वेन्यू चेंज, मैकडी वालों ने इतनी गंदी बेइज्जती करी हमारी। गार्ड भैया हम लोग गेट खोलने लगे, कहते 11 बज गए, क्लोज्ड। मतलब
किस्मत इतनी गंदी खराब किसकी हो सकती है। अब हम यहाँ से खा रहे हैं कुछ, मेरा मन था तंदूरी मोमोज खाने का वो, और अभी तक तो चाउमीन बोली है, बाकी देखते हैं यहाँ पे और क्या मिलता है। अरे मैं डर गई। हेलो गाइस, हम चले घर। बाय 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 बाय। तो गाइस अब हम यहाँ से खा के निकल चुके हैं और वी हैड द बेस्ट बेस्ट मोमोज, है ना? तुम लोगों से पूछ रही हूँ मैं, श्वेता। अरे हाँ, अब एक सबसे बड़ा पोपट चीज बताऊ, खा पीने के बाद मैं मम्मी के लिए पैक करा रही थी मोमोज, क्योंकि उनको भी बहुत पसंद है, तो उनका कॉल आया, मैंने सोचा उनके लिए भी करा लेती हूँ। तो मैंने श्वेता को बोला, श्वेता कैसे थे? श्वेता कहती बहुत अच्छे थे बहन, बहुत टेस्टी थे। मैंने कहा अच्छा, ये बोलने नहीं दे रही। अच्छा अच्छे थे? कहती हाँ यार बहुत अच्छे थे। मैंने कहा सही है ना, मैं बढ़िया चीजें लोगों को ट्राई करवाती हूँ खाने के लिए। कहती हाँ बहुत अच्छी थी चाप। चाप? मैंने कहा चाप नहीं थी वो, वो तंदूरी मोमोज थे। कहती है ये मोमोज थे, मुझे लगा चाप है। मैंने कहा वाह जी वाह, खाने के बाद इसको पता चल रहा है कि वो अच्छा, तो चाप। ये वेजिटेरियन होती और हम चिकन खिला देते ऐसे। बाप हम पे चढ़ता, हमें लगता है इसको पता है चिकन का। नहीं यार मैं तो चिकन वो खाती है। अरे अगर बाय चांस कह रहा हूँ, बट नहीं मैं ऐसा काम नहीं करती यार। अरे हमने जान के थोड़ा, हम तो बोल रहे थे मोमोज है मोमोज है बार बार। हाँ इसे सुना नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ खोई खोई सी रह रही है आजकल। सुबह से ही था चाप 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 ही ले रहे होंगे फिर तो। मुझे पसंद है चाप। बट गाइस एक बात तो है, एक बार मैंने मतलब अब नहीं करना चाहिए था, उस टाइम तो मेरे को समझ नहीं थी। मेरा ना बर्थडे था और उस टाइम पे मेरे स्कूल वालों ने पिकनिक अरेंज कर दी थी। 6 जनवरी को हम लोग गए थे मेरे बर्थडे वाले दिन पिकनिक, वाओ वर्ल्ड ऑफ वंडर। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था तन्नू, तुझे याद है तन्नू झा है? तन्नू छोटी वाली, तन्नू नहीं थी छोटी सी? अरे अच्छा तो तन्नू कनौजिया होगी, तन्नुजा दूसरी थी। हाँ तो हम लोग गए थे वर्ल्ड ऑफ वंडर। अब इन लोगों ने बोला पार्टी दो पार्टी दो, वहाँ पे मैकडी था। मेरे को शुरू से मैकडी तो बहुत पसंद है, मैंने कहा चलो मैकडी चलते हैं। बिकॉज उस टाइम आई वॉज इन आई गेस सेवेंथ में भी नहीं थी यार शायद, हाँ सेवेंथ में थी, सेवेंथ एट्थ में थी मैं। मैंने कहा चलो मैकडी चलते हैं। अब मैकडी गए तो ना मैकडी का पहले एक बर्गर आता था एग वाला, जिसमें वो हाफ फ्राई ऐड करते थे, एग करके कुछ था यार मुझे ध्यान नहीं। अब हुआ क्या, मैंने अपने लिए भी वो ऑर्डर किया। अब मैंने दो फ्रेंड्स थी, तीन ऑर्डर कर दिए और उसको खिला दिया। उसके बाद उसको पता चला कि इसमें एग था, और जबकि उसमें प्रॉपर पूरा हाफ फ्राई था अंदर, उसमें एग था। और कहती मैं तो वेजिटेरियन थी, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट करा दिया, बताओ मैं मेरी क्या गलती, जब उसमें पूरा हाफ फ्राई दिख रहा है। इसके बाद भी यार ये तो बकवास ही करता रहता है, इससे जब भी बोला बकवास। मैडम ड्राइवर से बकवास मत करें। ये श्वेता पीछे बिजी है, फोन नहीं छूट रहा इसका भी। मैं ते मेरे अमी को कर देने अच्छे तो होता जो ओए वो आ जाता है कॉपीराइट आजकल लिपसिंग में भी। तो गाइस अब हम बस घर पहुंचने वाले हैं और कल का डे भी बहुत हेक्टिक होने वाला है, बिकॉज मैं कल भी व्लॉग करूंगी, ये व्लॉग डालूंगी मैं मतलब कल परसों डालूंगी। जब एडिट हो जाए तब। हाँ ये भी है जब एडिट हो जाए तब, क्योंकि आजकल मैं व्लॉग बहुत लेट एडिट करके डालती हूँ। मतलब मैंने दशहरा वाला व्लॉग डाला था 2 हफ्तों बाद, तो कल भी बहुत हेक्टिक होने वाला है, कल भी मैं व्लॉग करूंगी। और अभी ऑलमोस्ट 12 बजे मेरे फोन की स्टोरेज फुल हो गई थी। छोड़ तो बस अब हम घर पहुंचने वाले हैं। रात को आके मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैं व्लॉगिंग करना भूल गई थी एज यूजुअल, जो मैं भूल ही जाती हूँ। तो अब बस मैं नहा धो के बैठी हूँ। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।